इस समय झंडा को टाइम 5 बज चुका है और झंडे को उतार करके फोल्ड करने की तैयारी चल रही है। गाइड्स के द्वारा ये प्रोसेस की जा रही है। सबसे पहले झंडे को किस तरह से फोल्ड किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है पल है। इसमें झंडा किस तरह से फोल्ड किया जाता है और किस क्या प्रोसेस होती है इसकी, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद इस प्रोसेस को जानना, देखिए किस तरह से रैप किया जाता है। झंडे को उतारने के बाद इसको दोबारा से बांधना और अगले दिन की तैयारी के लिए रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। हर स्काउट्स और गाइड्स को इसको सीखना अनिवार्य होता है। और लास्ट में जो इसकी नोट्स बांटते हैं, किस तरह से इसको बांधा जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये है बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण कि अगले दिन के लिए झंडा तैयार हो चुका है। ये गाइड्स के द्वारा जनपद नैनीताल के उखलकांडा ब्लॉक की ये गाइड्स हैं जिनके द्वारा इस झंडे को इधर बांधा गया है।